सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री नाम पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत को लेकर 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं कर पाई। फिलहाल सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। डीके शिवकुमार की मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद भी मामला सुलझ नहीं पाया। अब दोनों फिर खड़गे से मुलाकात करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के अगले सीएम का नाम का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे चल रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर तलवारें खिंची हुई है। इसको लेकर बराबर बैठकों का दौर जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकातें चल रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन बातचीत चल रही कि आखिर कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कर्नाटक को लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच में सियासी गठजोड़ चल रहा है कि आखिर कौन कर्नाटक का मुख्यमंत्री होगा, क्या जानकारी आपको आ रही है इस बारे में अभी ताज़ा, क्योंकि बराबर वहाँ पे सियासी हलकों में हलचल बढ़ी हुई है। देखिए मनीष, आज 4 दिन हो चुके हैं लेकिन कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस का जो हाईकमान है आलाकमान है अब तक ये तय नहीं कर पाया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक गए थे, सभी विधायक दल ने एकाधिकृत किया था कि खड़गे ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। उसके बाद से लगातार बात की जाए तो जो दो नाम चल के आ रहे हैं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, ये दोनों ही बड़े नाम है। एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो दूसरे को राज्य सरकार को चलाना आता है। 5 साल के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार रह चुके हैं, 2013 से लेकर 2018 तक उनका कार्यकाल था। अब दोनों ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अगर बात की जाए तो कल दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से मुलाकात की, बातचीत की, 1.5 घंटे ये मुलाकात चली। उसके बाद तकरीबन 5:30 बजे अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे डीके शिवकुमार से मिले, 1 घंटे की बातचीत हुई। फिर 6:30-7 बजे के करीब सिद्धारमैया की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से हो रही है। तो दोनों ही नेताओं को जिन्होंने काफी जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी को दोबारा सरकार सत्ता में लाया है, बहुमत से सत्ता में कांग्रेस आई है, कुल 224 में से 135 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो बहुत बड़ा बहुमत कर्नाटक जनता ने कांग्रेस को दिया है। और माता पति चल रही है कि दोनों में से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसे जो है उप मुख्यमंत्री का पदभार जो है दिया जाएगा। फिलहाल दोनों इस समय दिल्ली में है और सोनिया गांधी जो है आज करीब 11 बजे एक मुलाकात करेंगी, मीटिंग करेंगी, और आज 11 बजे जो मुलाकात होगी उसमें काफी कुछ क्लियर हो पाएगा, तय हो पाएगा कि कौन जो है कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो चर्चाएं इस पे चल रही है कि जिसके पास अनुभव है सरकार चलाने का यानी सिद्धारमैया, उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर कांग्रेस दे सकती है। वही अगर बात करें तो डीके शिवकुमार जिन्होंने काफी जो है वो हार्डकोर कांग्रेसी है, काफी मेहनत की है इस चुनाव में, विधानसभा कर्नाटक के चुनाव में, उनको उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया जा सकता है। फिलहाल वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक में है और जिस तरीके से कल बातचीत करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि वो प्रतिष्ठावान है, निष्ठावान है अपनी पार्टी के लिए, उनकी नेता सोनिया गांधी है, और ना ही वो ब्लैकमेल करेंगे पार्टी को, ना ही पार्टी को धोखा देंगे, ना ही पार्टी के खिलाफ जाएंगे। तो जिस तरीके से डीके शिवकुमार ने अपना पूरा समर्पण कांग्रेस को दिखाया है तो ये बात चल रही है कि इन दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनना है। फिलहाल सिद्धारमैया का पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि उनको अनुभव है, 5 साल वो सरकार चला चुके हैं। विवेक, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अप्रत्याशित जीत कांग्रेस के हाथ लगी है जिससे कांग्रेस का मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और सी अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेके जो दांवपेच इस समय चलते नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से बराबर मुलाकातों का दौर भी जारी है, वरिष्ठ जो नेतृत्व है कांग्रेस का उससे भी बराबर मुलाकातों का दौर जारी है, और प्रियंका और राहुल गांधी से भी इस संबंध में चर्चा हुई है, सोनिया गांधी ने भी अपना इस पर विचार व्यक्त किया है। फिलहाल अगर परिस्थितियां देखी जाए तो आपको क्या लगता है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में कौन ऐसा वरिष्ठ नेता जो वहां की आवाम चाह रही है, किसके पक्ष में वो जाती नजर आ रही है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है वहां का?
देखिए अगर बात कीजिए तो जो अंदर से जानकारी आ रही है कि आला कमान चाहता है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो डी के शिवकुमार को नाराज करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि डी के शिवकुमार जो है कर्नाटक में कांग्रेस के चाणक के कहे जा रहे हैं इस विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद, और जो उनके समर्थक हैं वो लगातार अड़े हुए हैं कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर बात करें 2013 से लेकर 18 तक का जो कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, सिद्धरमैया ने 5 साल मुख्यमंत्री पद संभाला है, उनको अनुभव है। हालांकि डी के शिवकुमार की अगर बात करें तो राजनीतिक करियर जो है उनका 1985 से शुरू हुआ था और अब तक वो लगातार जो है वो सक्रिय राजनीति में अच्छी भूमिका लगातार निभा रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके खिलाफ पहला चुनाव लड़ा था और काफी मजबूती से लड़ा था, खैर वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस हार के बाद उनको जो है कद्दावर नेताओं की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1999 की अगर बात करें तो एचडी देवेगौड़ा के परिवार से किसी को टिकट मिला था, उसके बाद एचडी देवेगौड़ा के परिवार के व्यक्ति को हरा कर वो विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था। काफी कुछ कर्नाटक के राजनीति में वो हासिल कर चुके हैं और जिस तरीके से उनके समर्थक लगातार अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन फिलहाल डी के शिवकुमार ने अब तक कोई जो है वो ऐसा ऐलान नहीं किया है कि वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार है और न ही आई कमान से खुद को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अब तक मीटिंग का दौर जारी है तो दोनों ही नेताओं को बाकायदा तवज्जो दी जा रही है और जिस प्रकार से बयान दिया है डी के शिवकुमार ने कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, वो कर्मठी हैं, निष्ठावान है अपने पार्टी के लिए, उनकी नेता सोनिया गांधी है, जो भी हाईकमान का निर्णय होगा डी के शिवकुमार वो स्वीकार करेंगे ना। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से दौर चलता रहा है कि हमने देखा कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार पिछले विधानसभा चुनाव में बनी थी तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है खींचातानी देखी जा रही थी, इसके बाद किसी तरीके से मान मनोवर का खेल शुरू हुआ था, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन फिलहाल सचिन पायलट जो है वो अलग जो है चेतावनी देते हुए रास्ता में दिख रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति जो है वो फिलहाल कर्नाटक में नहीं है, लेकिन फिर भी हाईकमान जो है फूक फूक कर जो है अपने कदम रख रहा है और चर्चा ये आ रही है कि सिद्धरमैया को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जो आशीर्वाद है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का वो सिद्धरमैया के साथ जा सकता है। आज जो बैठक होगी 11 बजे उसमें काफी कुछ निर्णय हो जाएगा कि कौन जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद का जो है शपथ लेता है। लाल विवेक, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सियासी गलियारों में, कर्नाटक के सियासी गलियारों में अगर कहा जाए तो सिद्धरमैया का ग्राफ सबसे ऊपर नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर पे हमारे साथ जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां तेज हो गई हैं। आज नोएडा में पश्चिमी क्षेत्र में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश भर के क्षेत्रों से लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें होंगी। बैठक का समापन यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे। भाजपा की योजना के अनुसार प्रदेश भर में क्षेत्र में लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें होनी है। साथ ही काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में होगी। वहीं 18 मई को ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में होनी है। 19 मई को कानपुर और अवध क्षेत्र में बैठक होनी है। इसके अलावा 20 और 21 मई को जिला कार्य समिति की बैठक होनी है। साथ ही मंडल कार्य समिति की बैठक में 22, 23 और 24 मई के बीच संपन्न होनी है। बता दें कि मिशन 80 के तहत आज यानी 17 मई बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नोएडा में पश्चिमी क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीजेपी हमेशा चुनाव मोड में रहती है और चुनाव मोड में रहने के कारण बीजेपी का हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि जिस भी चुनाव में उतरते हैं वहां पे मजबूती के साथ उतरें और अपनी जीत को सुनिश्चित करें। इस खबर पर संवाददाता हमारे साथ रितेश मौजूद हैं। रितेश, 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें होनी है। आज ही काशी क्षेत्र में बैठक और वाराणसी में और विभिन्न जिलों में बैठकें होनी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज करेंगे और रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम उसमें विजयशील प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए मनीष, सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, अब उसके लिए संगठन की एक तैयारी और हो रही है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर से और मंडल स्तर से लगातार जो क्षेत्र संगठन के नेता हैं वो बैठके करेंगे जी। मिशन 80 के तहत यानी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की,
तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनको जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की जो कार्य समिति है, जो संगठन के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, वो आज नोएडा में संगठन की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। ये लगातार पूरे प्रदेश में आज से ये बैठकों का दौर जारी होगा और वाराणसी, काशी, अयोध्या और भी तमाम जिलों में और क्षेत्रों में मंडल स्तर से लेकर के ये संगठन की बैठकें की जाएंगी। इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और कैसे कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाए और किस तरीके से अब 2024 की जीत को हासिल किया जाए। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो नोएडा में आज पहली बड़ी बैठक हो रही है, जिसका आगाज उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो करने वाले हैं और उसका समापन राधा मोहन सिंह के हाथों होना है। तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से संगठन की बैठकों का दौर अब जारी होने वाला है, मनीष मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जो वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो पूरा हुआ। 17 नगर निगमों में इनका ही झंडा लहराया है भारतीय जनता पार्टी का, तो आने वाले भी चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से अपने कमर कस चुके हैं और जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को इन्होंने पूरी तरीके से रिचार्ज कर दिया है और उनको क्षेत्र में भी लगाया भी जा रहा है कि वो घर घर तक पहुंचे और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को उनको बताएं। फिलहाल अभी जो बैठकों का दौर है वो आज नोएडा से शुरू हो रहा है, इसके बाद काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी बैठकें होंगी। तो इस तरीके से संगठन की बैठकें लगातार जारी होंगी और जो मतदाता है, जो जनता है, उन तक वो अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विशेष एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही, कर्नाटक में पराजय के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, उसको भी लग रहा है कि अगर 2024 की लोकसभा चुनाव को निकालना है तो हमें अभी से रणनीति बना के चलना पड़ेगा। और इसी के तहत ये जो ब्रज क्षेत्र में, गोरखपुर में और कानपुर में सब जगह बैठकें जारी करी जा रही है, उसमें जो वरिष्ठ नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतृत्व बैठ कर इनको एक रणनीति बनाएगा और अपने पदाधिकारियों को एक सुनिश्चित सलाह या एक सुनिश्चित गाइडलाइंस देगा कि भाई इस तरह से आप फॉलो करो चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति जो है उसी को लेकर बनाई जा रही है कि दोबारा कर्नाटक जैसा और भी कहीं कोई हम अब की बार चूक ना जाएं जो उनको नुकसान वहां पे उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इसी के तहत क्या ये कुछ सारे सिस्टम बनते नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सही बात है मनीष, जिस तरीके से कर्नाटक में हार का इनको सामना करना पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी में अब एक संगठन को और मजबूत करने में और कहां पर उनसे गलती हुई है वो आप जमीन से लेकर आसमान तक एक करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कर्नाटक का हाथ से जाना, 2024 का चुनाव का आना, ये बड़ा संकेत है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको ये जानकारी, ये पता भी चल रहा है कि आखिर क्यों ये कमी आई जो कि कर्नाटक उनके हाथ से गया। और अभी बात की जाए पिछली जो चुनाव हुए हैं, पंजाब इनके हाथ से गया, कर्नाटक अब चला गया हाथ से, तो कहीं ना कहीं अब संगठन में थोड़ी खलबली जरूर मची है और नेतृत्व जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे अगर आपने उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब घर घर निकाल देने की तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब एक नीति और ला रही है कि वो घर घर में कार्यकर्ता को भेजेंगे, वो कार्यकर्ता घर के दरवाजे पर कुंडी खटखटाएंगे और वहां पर जो व्यक्ति निकलेगा उनसे वो सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और उनके मोबाइल के नंबर से टोल फ्री नंबर, भारतीय जनता पार्टी का जो टोल फ्री नंबर होगा उस पर वो मिस कॉल देंगे। इससे एक डाटा भी कलेक्शन होगा उनका, उनको ये भी पता लग पाएगा कि कितने लोग उनके साथ जुड़े हैं और एक बड़ा संचार का साधन है कि जिस तरीके से वो घर घर पहुंचने की बात कर रहे हैं, वहां पर जो उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता होंगे वो उनके दरवाजे पर पहुंचेंगे, वो कहीं ना कहीं डाटा भी संकलन किया जाएगा उसका, उसके बाद भी वो प्रचार का माध्यम बनेगा। तो पूरी तरीके से कर्नाटक हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार अब अपने खेमे में जो भी सीट है, लगातार ये जो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, फिलहाल उन 80 सीटों को लाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और जमीनी स्तर से लेकर के जितने भी स्तर तक के नेता और इनके बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता उनको इस कार्य में लगाया जा रहा है। मनीष, आपको क्या लग रहा है कि जो बैठकें होने वाली हैं, इस बैठकों में ये जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर आने वाले हैं और किन योजनाओं को लेकर आने वाले हैं? क्योंकि अगर इनके कार्यकाल को अभी देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या जनता इनके कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रही है और कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर जनता के पास जाने के लिए अपने पदाधिकारियों को इसके लिए एक सुनियोजित ज्ञान और कहा जा सके एक सुनियोजित ट्रेनिंग देने वाले हैं ये? देखिए सबसे बड़ी बात मनीष मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी उन्होंने अभी तक लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं उसका एक पत्रक तैयार हो रहा है। उस पत्रक के जरिए जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको घर के एक एक घर पर यानी हर मतदाता के घर पर एक डाटा जैसे संकलन होगा, उनके दरवाजे पर जाएंगे और उन चीजों को दिखाएंगे। जैसे पीएम आवास योजना के वो दिखाएंगे, जितने भी लाभार्थी इसमें हैं, मुफ्त में जो राशन वितरण हुआ है,
जो अभी कोरोना काल से लगातार अभी तक मुफ्त में राशन वितरण हो रहा है, लगभग 15,000 करोड़ लोगों तक वो चीजें पहुंची हैं, तो कम से कम इन सब चीजों को वो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किसान सम्मान निधि है उसमें किस तरीके से किसानों को फायदा हुआ, पीएम आवास योजना के तहत कितने लोग उसमें लाभार्थी रहे, जितने भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जुड़ी चीजें थी उन सभी चीजों का पत्रक बना करके ये मीटिंग्स में तय होगा और ये जनता के सामने रखा जाएगा और इसका बकायदा आयोजन भी किया जाएगा। जो भी लाभार्थी इसमें हुआ ये कार्यक्रम के तहत बकायदा 2024 तक एक समझ लीजिए कि किसी न किसी तरीके का कार्यक्रम लगातार अब चलता दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को फिर से अपने पाले में लाना चाहती है, जिसके लिए वो पूरी कोशिश करेगी। और अभी जो रणनीति बनाई जा रही है वो रणनीति ऐसी है कि अभी तक जो मतदाता उनसे छूटे थे, जो वोट बैंक कहीं और था उस वोट बैंक को भी वो अपने पाले में लाना चाहते हैं, जिसके लिए पूरी और पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। जी जाहिर सी बात है कि इस समय बीजेपी पूरी तरीके से चाहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बड़ी संख्या में बहुमत हासिल कर सके, जनता का समर्थन हासिल कर सके, इसी के तहत वो अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के पास जाएगी और उससे अपने समर्थन की पूरी बात करेगी। फिलहाल रहते हैं इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 में दंपति की हत्या से हड़कंप मच गया है। सुबह इलाके में ये सूचना जैसे ही आग की तरह फैली, लोगों के होश फाख्ता हो गए। बताया गया कि करीब 45 साल की ममता और 50 साल के प्रमोद की किसी ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। दोनों के शव बेडरूम में खून से लथपथ मिले हैं। प्रथम दृश्य पुलिस को ऐसा लगा कि किसी घर के ही या जाने वाले की व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि घर से कोई भी सामान ऐसा नहीं पड़ा जिसे लूट की आशंका हो। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, डबल मर्डर से फैली सनसनी का मामला सामने आया, जहां पे पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है गला रेतकर, और पुलिस अभी तक इस मामले में जांच कर रही है। आसपास जो भी लोग थे उनका भी कहना है कि उनको भी इस बात का संज्ञान सुबह पता चल पाया जब वहां से कोई बाहर नहीं निकला। इस खबर पर संवाददाता हमारे साथ राजन मौजूद हैं। राजन, ये जो दोहरे हत्याकांड हुए जिसमें पति पत्नी की हत्या कर दी गई गला रेतकर, इससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, और अब तक क्या आगे का पुलिस ने जांच पड़ताल में कुछ निकाल पाया है कि आखिर ये क्या वारदात है और क्यों करी गई है ये? देखिए, मेरठ पुलिस का ये गुटबर्ग है, मात्र 6 घंटे में मेरठ पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। सुबह जब ममता उम्र लगभग 45 वर्ष एक निजी कॉलेज में शिक्षिका हैं, जब वहां से फोन पहुंचता है और वो फोन रिसीव नहीं करती हैं, तो उन्होंने उनकी बेटी के पास में फोन किया, उनकी बेटी ने उनके अपने भाई के पास में फोन किया, यानी कि आर्यन के पास में। बेटी और बेटा दोनों जनपद से बाहर जॉब करते हैं, और जब उन्होंने फोन किया घर पर तो फोन नहीं उठा, उन्होंने पड़ोसी को भेजा, तो पड़ोसी ने जब गेट खोल कर देखा तो मामला चौंकाने वाला था, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दोनों के शव खून से लथपथ बेड पे पड़े हुए थे। जब इस मामले को पुलिस ने गहनता से लेकर पूछताछ के आसपास के सीसीटीवी खंगाले, घर परिवार के लोगों के मोबाइल ट्रैक किए, तो मामले का खुलासा हो गया। मामले का खुलासा ये हुआ कि यार हत्यारोपी कोई और नहीं, उनका खुद बेटा है आर्यन, जो मेरठ से बाहर नौकरी करता था। पूछताछ में पता चला है कि आर्यन ने अपने पिता का कत्ल करने का प्लान बनाया था अपने दोस्त आदित्य के साथ में, जो शास्त्री नगर का ही रहने वाला है और गाजियाबाद में जॉब करता है। मामले का खुलासा ये निकल कर आया, हत्या का कारण ये निकल कर आया कि जो आरोपी का पिता है वो शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता था। पूछताछ में हत्यारोपी ने यही बात कबूल की है, लेकिन बात एक सवाल ये खड़ा हो रहा है पुलिस जांच में कि जब उसने पिता का कत्ल करना था तो अपनी माता का कत्ल क्यों कर दिया, क्योंकि परेशान वो पिता से था, क्योंकि पिता शराब पीकर अपनी वाइफ को मारा करता था। इस चीज से परेशान होकर बेटे ने अपने पिता का कत्ल किया। उसने नींद की गोलियां मैंगो शेक में दे दी थी रात को, पूरा परिवार नींद में जब हो गया तो तब उसने पिता का गला रेत दिया और एक के बाद एक पेट पर चाकू से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं जब उसकी माता अपने पति को बचाने के लिए आई, जब दीवार बनी तो उन्हें भी उस दीवार को भी तोड़कर, यानी कि अपनी माता को भी मौत के नींद सुला दिया है। जी राजन, जब ये मामला, क्योंकि अब पूरी तरह से खुल चुका है कि बेटे ने ही अपने माता पिता की हत्या करी, ये मामला कहीं ना कहीं पैसे या जमीन को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इतनी बड़ी बात नहीं थी कि पिता अगर शराब पीता था तो बेटे ने पिता की हत्या कर दी, माता की भी हत्या कर दी, पैसे का लेन देन भी इसमें कुछ सामने आया, उसने कुछ कबूला है? देखिए, अभी पुलिस पूछताछ में सिर्फ यही बात सामने आई है कि वो पिता मेरी माता को शराब पीकर मारा करते थे, जिसको लेकर मैंने उनकी हत्या की प्लानिंग अपने दोस्त के साथ आदित्य के साथ में मिलकर की थी। जब उनकी माता खुद बचाने आई तब उन्होंने अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया।
फिलहाल अभी इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया, फिलहाल पूछताछ पुलिस की जारी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी यह लग रहा है कि मामला कुछ और निकल कर आएगा, कुछ और भी तथ्य जुटाने में लगी हुई पुलिस और पूछताछ कर रही है। ऐसे में देखना यह कि हो सकता है प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला हो सकता है कोई और पैसे का लेन देन का मामला हो। फिलहाल अभी जो मामला सामने आया है, जो पुलिस का बयान सामने आया है, वो अभी तक यही सामने आया है कि बेटे ने जो अपने बाप की हत्या की थी, वो शराब पीकर अपनी माता को मारते थे, अपनी अपनी वाइफ को मारते थे, इस चीज को लेकर हत्या की गई थी। जी राजन, आज जब ये मामला संज्ञान में आया आसपास रहने वालों के, तो उन्होंने इस पे क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, कुछ क्या कुछ आपकी जानकारी में आया इसको लेकर कि लड़के बारे में वो क्या जानते थे? बिल्कुल, लड़के के बारे में उनका यही कहना था, जब हम लोगों ने बातचीत की ऑफ कैमरे पे, उन्होंने का यही कहना था कि परिवार बहुत मिलनसार था, एजुकेटेड परिवार था, बेटी और बेटा बाहर जॉब कर रहे थे, एक अच्छी खासी अर्निंग थी। और यहाँ तक कि जब उनके माता पिता की अभी आने वाली 20 तारीख को बताया जा रहा है कि उनकी शादी की सालगिरह थी, तो बेटी ने शादी की सालगिरह में गिफ्ट के तौर पर एक कार भी बुक कर रखी थी, एक मंडप भी बुक कर रखा था जहाँ पर उनकी शादी की सालगिरह मनाई जाती, लेकिन उससे पहले पूरे परिवार में मातम छा गया, लड़की जो बेहोश हो गई थी। वहीं आर्यन जो लड़का था, कल जब पुलिस पहुंची थी तो वो झूठ मूठ का नाटक कर रहा था रोने का। फिलहाल जब पुलिस ने अपने स्तर से जांच की, सीसीटीवी खंगाले, क्योंकि उसने घर में दो बार एंट्री करी, एक बार 6 बजे वो शाम को घर पहुंचता है, तो 10 बजे फिर वापस वो घर से अपने शहर के लिए निकल जाता है जहां पर वो जॉब करता था, फिर 11:30 बजे फिर पहुंचता है और अपने पिता को कॉल करता है, गेट खुलवाता है और उसके बाद में मैंगो शेक पिलाकर सबको नशे में कर देता है और चाकू से ताबड़तोड़ दोनों, उसका दोस्त आदित्य और उनका बेटा आर्यन, ताबड़तोड़ वार करके दोनों को मौत की नींद सुला देते हैं। बड़ी शर्मनाक घटना जिसमें बेटे के द्वारा माता पिता की हत्या कर दी। फिलहाल राजन, इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।